सिर्फ माने थी हया बंदे कवा खुले तलक, फिर तो वो जाने हया ऐसा खुला ऐसा खुला। रहा चुपता ही मरूँ। मैं दावत कलाम दूंगा जनाब मूसा मलियाबादी साहब को, क्योंकि इनका ताल्लुक मलियाबाद से है लेकिन दुबई से ही आए हैं। दुबई में ही है। अस्सलाम वालेकुम बाकी हज़रात। कलाम की शुरुआत करूँगा उस अजीम शख्सियत को खराज अकीदत पेश करूँगा जिसका नाम हम लोगों को आज तक पहचान दिला देता है, बज़्म सुखन में, बज़्म अदीब में। 100,000 से ज़्यादा अशार का शायर जिसका नाम जोश मलिहाबादी, जिसके नाम के साथ हम लोग हमेशा फ़ख्रियात महसूस करेंगे। 4 मिसरे कहे थे उनकी वफ़ात पर उनके भतीजे शऊर मलियाबादी साहब ने कि अजमत का एक निशान था वो भी नहीं रहा। अजमत का एक निशान था, अजमत का एक निशान था वो भी नहीं रहा। शेरो सुखन की जान था वो भी नहीं रहा। मरने के बाद जोश के अफसोस ए शऊर, एक फख्र खानदान था वो भी नहीं रहा। एक फख्र खानदान था वो भी नहीं रहा। और चार मुझसे मुलादा फरमाइए कि अल्फाज ये ख्याल ये जज्बा कहाँ से लाएगा, अल्फाज ये ख्याल ये जज्बा कहाँ से लाएगा, ये नेमते रब है भला इंसान कहाँ से लाएगा, ये नेमते रब है भला इंसान कहाँ से लाएगा। और हो भी जाए गर हासिल शायरी का फन तुझे, मेरे जैसा पुरअसर लहजा कहाँ से लाएगा, मेरे जैसा पुरअसर लहजा कहाँ से लाएगा। और एक नज़्म मैंने कही है हाल ही में तमाम सुखनवरों से खिताब होते हुए, उसका उन्वान है सुखनवर से खिताब, कि आजकल जो हालात चल रहे हैं ना सिर्फ मुल्क के बल्कि पूरी दुनिया के, उसके एतबार से सुखनवर की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। शुरुआत करता हूँ कि आरास्ता क्या खूब ये बज़्मे अदीब है, आरास्ता क्या खूब ये बज़्मे अदीब है, यानी के जोर मारता मेरा नसीब है। महफिल अदबो वफा की शान आप लोग, महफिल अदबो वफा की शान आप लोग, तहजीब और इखलास की पहचान आप लोग, रूह और जिस्म जहां की जान आप लोग, कामिल हर एक तौर से इंसान आप लोग, रूह और जिस्म जहां की जान आप लोग, कामिल हर एक तौर से इंसान आप लोग। और कैसी कशिश है आपके तर्ज बयान में, कुदरत ने बख्शा है कोई जादू जबान में, जैसे मौज़िन हो कोई गलता अजान में, मिलता नहीं है आपसा दूजा जहान में। कैसी कशिश है आपके तर्ज बयान में, कुदरत ने बख्शा है कोई जादू जबान में, जैसे मौज़िन हो कोई गलता अजान में, मिलता नहीं है आपसा दूजा जहान में। जिंदगी की राहों में गिर के संभल सकते हैं आप, वक्त की रफ्तार से आगे निकल सकते हैं आप, जुल्म के तूफान का भी रुख बदल सकते हैं आप, तस्वीर इस जहान की गोया बदल सकते हैं आप, तस्वीर इस जहान की गोया बदल सकते हैं आप। मैं तो एक अदना सा कातिब हूं कि बिल्कुल लाशऊर, मैं तो एक अदना सा कातिब हूं कि बिल्कुल लाशऊर, लेकिन इतना डरते डरते अर्ज करता हूं जरूर, ऐ सुखनवर वक्त पे हालात पे रखो नजर, तेरे होते कब पनप सकते हैं जुल्मत के शजर, ऐ सुखनवर वक्त पे हालात पे रखो नजर, तेरे होते कब पनप सकते हैं जुल्मत के शजर। नफरतों की आंधियों का दिख रहा कुछ यूं असर, इंसानियत की लाश दिखती है मुझे हर दार पर, इंसानियत की लाश दिखती है मुझे हर दार पर। हुक्मरा अब है बदी, नेकी का चेहरा जर्द है, झूठ का है बोल बाला सच इशारे गर्द है, हुक्मरा अब है बदी, नेकी का चेहरा जर्द है, झूठ का है बोल बाला सच इशारे गर्द है।
और हक के परवाने हो गर बन जाओ एक नजीर तुम, बना डालो अपने कलम को तेज रहो शमशीर तुम, गिरा दो इस शमशीर से जालिम की हर तामीर तुम, इंसानियत के वास्ते आखिर हो एक अक्सीर तुम, इंसानियत के वास्ते आखिर हो एक अक्सीर तुम, तेरे कलम में है वो ताकत जो झुका दे आसमां, तेरे कलम में है वो ताकत जो झुका दे आसमां, तेरे कलम से हो बुलंद मजलूम की या हो फुगां, तेरे कलम का खौफ हो जालिम के चेहरे पर रया, उड़ा डाले तेरा कलम बातिल की हर सू धज्जियां, उड़ा डाले तेरा कलम बातिल की हर सू धज्जियां, मरकज तेरे कलाम का दिलबर भी हो दिलदार भी, जामो सुबू का तस्किरा जिक्र लबो रुखसार भी, लेकिन तेरे कलाम में सच के रहें असरार भी, हकी करें जो पैरवी और झूठ से इनकार भी, हकी करें जो पैरवी और झूठ से इनकार भी, और बख्शी है जो भी नेमतें जवाब मांगेगा खुदा, हमसे इस सुखन का भी हिसाब मांगेगा खुदा। बख्शी है जो भी नेमतें जवाब मांगेगा खुदा, हमसे इस सुखन का भी हिसाब मांगेगा खुदा, जुल्मत कदे में रोशनी हमवार कर सकती नहीं, कलम कर सकता है जो तलवार कर सकती नहीं, जुल्मत कदे में रोशनी हमवार कर सकती नहीं, कलम कर सकता है जो तलवार कर सकती नहीं। एक नज्म है, उनवान है उसका तरक्की, और वो हमारे बुजुर्ग शकील चा से लेकर हम तक जो भी मलियाबाद के लोग यहाँ पे बैठे हैं उन सबकी नुमाइंदगी करती है कि वो मलियाबाद जहाँ आप लोग नहीं पहुँच पाए, लेकिन वो मलियाबाद एक्चुअली क्या है कि यहाँ तहजीब की बेलें बहुत शादाब हैं अब तक, यहाँ तहजीब की बेलें बहुत शादाब हैं अब तक, हमारे शहर में बाकी बहुत आदाब हैं अब तक, रस्म वफा हमी से कायम है अभी तक, तहजीब का हाथों में परचम है अभी तक, हर एक हिदायत को मिसले फरमान लेते हैं, हर एक हिदायत को मिसले फरमान लेते हैं कि हम अपने बड़ों की सारी बातें मान लेते हैं, और अमाने रब में करके यूं सभी खदशे मिटाते हैं कि हम घर से अभी भी अल्लाह हाफिज कह के जाते हैं, कि हम घर से अभी भी अल्लाह हाफिज कह के जाते हैं, और हया की लाखों शम्मे दिल में उनके अब भी जलती हैं, हमारे घर में बहने सर को अब तक ढक के चलती हैं, हमारे घर में बहने सर को अब तक ढक के चलती हैं, और मुकर्रर वक्त ना पहुँचे तो राहें तकती रहती हैं, ज़रा सी देर हो तो माएँ घर में जगती रहती हैं, ज़रा सी देर हो तो माएँ घर में जगती रहती हैं, इन्हीं के तजरिबों से फैज पाते और निखरते हैं, यहाँ बच्चे अभी तक बाप की आंखों से डरते हैं, इन्हीं के तजरिबों से फैज पाते और निखरते हैं, यहाँ बच्चे अभी तक बाप की आंखों से डरते हैं, और तरक्की के एतबार से के बड़ों को दकियानूसी जानना कर ये तरक्की है, बड़ों को दकियानूसी जानना कर ये तरक्की है, ना उनकी बात कोई मानना कर ये तरक्की है, कमी हो सैकड़ों किरदार में कर ये तरक्की है, घरों की रौनक हो बाजार में कर ये तरक्की है, हो तकमील बस अपने ख्वाब की कर ये तरक्की है, न कोई फिक्र हो माँ बाप की कर ये तरक्की है, जड़ों से काटना यानी अदब का हमको पौधा है, जड़ों से काटना यानी अदब का हमको पौधा है, मेरी नजरों में ये सौदा कतई घाटे का सौदा है, खुदा का शुक्र है इस राह पर मायल नहीं है हम, के मूसा इस तरक्की के कतई कायल नहीं है हम, के मूसा इस तरक्की के कतई कायल नहीं है।